और चलिए सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिख समाज के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। गुरुद्वारे में जाकर सीएम योगी ने मत्था भी टेका है, देश की प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैसाखी का महापर्व जिसकी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। संगत में फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। फिलहाल गुरुद्वारे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज अलग अलग जनसभाओं को भी उन्हें संबोधित करना है। आज का दिन भी काफी व्यस्त रहने वाला है और इस बीच गुरुद्वारे में जाकर सीएम योगी ने मत्था टेका है, सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें हैं। एक ही करके सिख समाज से जुड़े हुए लोग मुख्यमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है मुख्यमंत्री ने। फिलहाल लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पहला फेज 19 तारीख को होना है। इसी कड़ी में लगातार स्टार प्रचारकों का रेला अलग अलग इलाकों में जा रहा है। फिलहाल लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, इसके बाद आज उत्तराखंड का भी उनका दौरा है, उत्तर प्रदेश में भी वो प्रचार करेंगे। ये फिलहाल बैसाखी का पर्व है जिसकी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं। ये संगत के साथ फिलहाल मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। खालसा सृजन दिवस के मौके पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉर्ट नोटिस से विनती असी लोगों ने छोटी सी की थी, महाराज जी हाथ जोड़ सी पीली भी कि महाराज जी तुसी रहना है। तो महाराज जी ने अपना अमूल्य समय सानू दिता, असी गुरुद्वारा साहब विच उन्होंने जी आया नू कहने आ, एक जयकारा छड़ के महाराज जी का ते आयो सारे गुंतकां दा स्वागत करो जी, बोले सो निहास। माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी का असी स्वागत करने आ, माननीय नीरज सिंह जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, बाबा महेंद्र सिंह जी साढ़े विशेष तौर पर जो अयोध्या तो आए हैं साढ़े नज़रबाग गुरुद्वारे के मुखी, उन्हों का असं स्वागत करने हैं। तो नाले लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत बधाई, आप सारे ने बहुत अच्छा कार्यक्रम सवारिया, कमलजीत सिंह जी और जेडे तराई संगठन के सारे बंदे ने सारे नु बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। मैं बेनती करांगा लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सर राजेंद्र सिंह जी बग्गा पास कृपा करके आके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बलदेव सिंह औलख जी का, माननीय नीरज सिंह जी का, आनंद द्विवेदी जी का, समूह संगतों का स्वागत करते हुए जी आयू कहने की कृपालता कर। सर राजेंद्र सिंह बग्गा प्रधान श्री गुरु सिंह सभा इतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला लखनऊ। गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र गोद में सुशोभित परम छठे संगत आई है मेरे साथ बड़े प्यार और सत्कार के साथ दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह द्वारा बख्शी फतेह की साथ कीजिए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आज आपको खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 1699 में उस समाज की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने पांच प्यारों का चयन किया, पांच प्यारे जो अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग प्रांतों से थे, उन्होंने आकर के गुरु महाराज के समक्ष अपना शीश भेंट कर दिया और उसके बाद गुरु महाराज से पावन अमृत की दात ली और उसके बाद गुरु जी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं पांचों के पांचों, तो उनसे गुरु जी ने फिर अमृत की दात ली। उस दिन से गुरु गोबिंद सिंह राय जो थे गुरु गोबिंद सिंह सिंह बन गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ये बड़ा पावन दिन है और पंजाब के अंदर जो बैसाखी का पर्व है वो मनाया जाता है। इसलिए मैं एक तो शेर रद्द कर दूँ, माननीय मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठे तो मुझे याद आता है कि शेर बोलने मुझे जरूर है,
कहते करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, बदल डाले जो इंसान को उसे हम प्यार कहते हैं। सुने दुनिया वालों मैं बेधड़क कहता हूँ, सुने दुनिया वालों मैं बेधड़क कहता हूँ, सिर को जो धार पे रख दे उसे हम सरदार कहते हैं। बोले, 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 बोले। दूसरा, पंजाब में आज के दिन गेहूँ की फसल कटती है, हमारे बीच में बहुत सारे किसान भाई तराई के इलाके से आए हैं, वहाँ से कहावत बनी हुई है कि जट्टा कनका दी राखी कर रहे, कनका दी राखी आए विसाखी, आए विसाखी कनका दी कर रहे राखी, और वहाँ पर वो नृत्य होता है पंजाबी फोक डांस।